हेलो बच्चों, मैं नारायण सिंह ठाकुर। आज मैं आपको क्लास एट अष्टम का मैथ सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, जिसमें आप प्रश्नों में एक दशमलव एक का क्वेश्चन दूसरा करवा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन? उचित गुणधर्मों का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले गुणधर्म अपन लगा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? 2/5 गुणत माइनस 3/7 माइनस 1/6 गुणत 3/2 प्लस 1/14 गुणत 2/5। ठीक है, इसमें अपन क्रम के नियम लगा रहे हैं। तो 2/5 गुणे माइनस के 3/7 ठीक है, प्लस जी 2/5 और प्लस गुणे 1 प्लस 1/14 गुणे 1/14 ठीक है, माइनस 1/6 गुणित 3/2। इसके बाद 2/5 इसमें है, 2/5 इसमें बिल्कुल क्या जाएंगे आपके कॉमन, 2/5 कॉमन गुणित इसमें माइनस 3/7 फिर प्लस यहाँ पर 2/5 तो आपके कॉमन आ गए प्लस 2/5 क्या है आपके कॉमन, कितने बचे 1/14 ठीक है, माइनस 1/6 गुणत 3/2 बल्कि 2/5 जे हुई तो गुणत। अब 7 और 14 सबसे पहले क्या लगे आप लघुत्तम सामर्थक, मैं 7 और 14 के लघुत्तम निकालू तो सबसे छोटी संख्या से भाग दे दो से जा रहा है 7 के 7 है, 2 को 7 में याद है ठीक है, 2 को 14 याद, 2 7 14 अपने 7 का किस में जाता है, 7 का 7 नहीं जाता है, 7 एकम 7 7 एकम 7 अब 7 2 14 लघुत्तम कितना निकल आया 14 ठीक है, लघुत्तम कितना आ गया 14। अब माइनस 3/7 के हर से 14 हर वाली संख्या को भाग देंगे किसमें, जो लघुत्तम निकला है उसमें भाग देंगे ठीक है, और उसमें भाग करते जितने भी आएगा उससे गुणा 3 में करेंगे, तो 7 का भाग 14 में दिया तो कितने बार गया 7 एकम 7 7 2 14 कितने बार गया 2 बार, तो 2 का गुणा कहाँ करेंगे अंश वाली संख्या इस 3 में करेंगे, तो माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे कितने आएंगे 6 ठीक है, प्लस अब 14 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, 14 एकम 14 1 का गुणा कहाँ करेंगे इस 1 में, तो 1 माइनस अब 3 का गुणा 1 में कर दो 3 एकम 3 और 2 6 12 2/5 गुणे धन और ऋण का क्या होगा ऋण, और ऋण के 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा ऋण के 5 और 2/5 ठीक है, और माइनस 3 से 2 3 एकम 3 3 6 12 कितने आ गए 1/4 अब 2/5 गुणे माइनस के 5/14 और माइनस के 1/4 अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे ठीक है, अब 2 से 2 एकम 2 2 7 14 कितनी बार कटे 7 बार ठीक है, अब यहाँ पर कितने बचे माइनस के 1/7 माइनस 1/7 और माइनस के 1/4 हमें देखते हैं, और हमें 7 और 4 का दोबारा लघुत्तम लेंगे, 7 और 4 का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने तो बन जाता है कि नहीं ठीक है, 2 का भाग 2 इसमें 7 में नहीं जाता, 7 के 7 है, अब 2 का भाग 4 में जाता 2 एकम 2 2 2 4 दो बार गया फिर 2 का 2 7 में नहीं जा रहा 7 के 7 है, 2 का 2 एकम 2 फिर 7 का 2 7 एकम 7 अब कितना आ गया लघुत्तम 7 2 14 14 2 28 लघुत्तम कितना निकल गया, लघुत्तम आ गया आपका 28 ठीक है, तो माइनस 1/7 और माइनस 1/4 के हर से भाग देंगे किसमें 28 लघुत्तम निकला है, तो 7 का भाग 2 28 जो कितने बार जाएगा 7 चौके 28 कितने बार गया 4 बार गया, तो 4 का भाग 2 इस वाले अंश में गुणा करेंगे
माइनस का एक, माइनस एक में चार का गुणा करें तो कितने आएंगे, चार के चार है, ठीक है। और फिर ये माइनस का हिसाब, फिर चार का भाग दो अट्ठाईस में से कितनी बार जाएगा, सात चौके अट्ठाईस, सात बार गया, सात का गुणा कहाँ करोगे इस एक में, कितने आएगा सात एक सात। अब ऊपर देखिए धन और धन क्या होता है, ऋण और ऋण क्या होता है, धन सात चार ग्यारह बटे अट्ठाईस, तो ऊपर कौन सी संख्या बड़ी है, ऋणात्मक बड़ी संख्या है कि नहीं, तो ऋणात्मक ऋण और की संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो माइनस ग्यारह बटे अट्ठाईस आपका क्या आ जाएगा आंसर।